छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में जुट गई हैं। इसी क्रम में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम संकल्प सभा में अरविंद केजरीवाल जमकर गरजे और राज्य की रमन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में एक ईमानदार सरकार की जरूरत है और अब समय आ गया है कि जनता राज्य की बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर दे। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी रमन सिंह की गोद में बैठी हुई है और ये बीजेपी को चुनौती देने में विफल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता राज्य में बदलाव के लिए खुलकर वोट डाले। आज यहाँ इतने हजार लोग रमन सिंह की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं कि अब गरीब, छत्तीसगढ़ का गरीब खड़ा हो गया है और छत्तीसगढ़ का गरीब इस बार मन बना चुका है कि रमन सिंह की सरकार उखाड़नी है और ईमानदार सरकार बनानी है, बदलाव लेके आना है इस बार। वहीं बीजेपी भी राज्य में लोक सुराज अभियान 2018 की शुरुआत कर जनता को रिझाने की कोशिश में जुटी है। अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांकेर जिले के नरहरपुर विकास खंड के ग्राम बंडा टोला का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। हमारा गांव कैसा हो गया है, ये एक नया लुक मिलता है कि 100% घरों में बिजली, 100% घरों में शौचालय का निर्माण, 100% घर साफ सुथरे और व्यवस्थित हैं, सभी आवास में सब जगह बिजली देने का काम हम आने वाले 15 दिन के अंदर करेंगे। जो जो आवास बनता जाएगा, तेंदुपत्ता तोड़ने का, साल बीज इकट्ठा करने का काम करते हैं। गाँव कैसे तेजी के साथ विकास कर रहा है, जागृति कैसे आई है गाँव में, महिलाओं में, पुरुषों में, ये एक अच्छा उदाहरण है। कहीं संकल्प सभा तो कहीं सुराज अभियान, हर पार्टी वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।